हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शॉर्ट सर्किट से लकड़ियों के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए के खिड़की दरवाजे जलकर हुए राख। नगर के जोधपुरिया गेट के बाहर स्थित एक फर्नीचर गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण उसमें रखे लाखों रुपए के लकड़ियों के खिड़की दरवाजे जलकर राख हो गए। सूचना पाकर नगरपालिका से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाया। फर्नीचर गोदाम मालिक ललित कुमार मालविया ने रिपोर्ट देकर बताया कि मंगलवार रात्रि में आई आंधी के कारण बिजली के वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से मेरे गोदाम में आग लगनी शुरू हो गई, परंतु रात होने के कारण किसी को पता नहीं चला। वहीं सुबह 5 बजे जब लोगों का आवागमन शुरू हुआ तो लोगों ने अंदर धुआं उठता देख लोगों ने मुझे फोन किया, तो मैं तुरंत गोदाम पहुंचा तथा फायर ब्रिगेड को फोन किया। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड कर्मचारी जितेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे तथा करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, परंतु तब तक गोदाम में रखे सभी खिड़की दरवाजे व लकड़ी जल चुके थे। गोदाम मालिक ललित ने बताया कि इस हादसे में मेरे गोदाम में रखे करीब 10 लाख रुपए के सागवान के बनाए हुए खिड़की दरवाजे तथा लकड़ी जलकर राख हो गए। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।